ಜಪಾನ್ ನಡಿ ಹೋದ ಸೆಗಡಿ जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना भादराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना भादराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं लक्सर के, उनके खिलाफ कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक ट्रेल को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जिस ट्रेल से ये यहाँ पर तक ये पहुँची है उसको और कहाँ पर ये जानी थी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं और जल्दी इसमें अन्य गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और बड़ी कार्रवाई रानीपुर थाना पुलिस के माध्यम से हुई है, जिसमें करीब 1 किलो के आसपास चरस पकड़ी गई है, 970 ग्राम, और उसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है। वो भी उस ट्रेल को भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी जो लोग अन्य इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ आज जनपद पुलिस के स्तर पर की गई है। मेरे स्तर से इनको जो पूरी टीम है और जो इसमें जो भी लोग शामिल थे जिन्होंने ये इन लोगों को पकड़ा है उनको 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है, बाकी अन्य उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं, बड़ी जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ भी लगातार गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है और उनकी संपत्ति को भी सीज करने की कार्रवाई लगातार हुई है। पिछले कुछ माह में लगभग हम 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्तियाँ सीज कर चुके हैं जो अन्य जो लोग इसमें शामिल रहे हैं। और आगे और भी मेरा मानना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं भले वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो उस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसमें खासकर जो मेन फोकस एरिया हमारा रहा है, क्योंकि हमारे जनपद में सहारनपुर से लगता हुआ ये एरिया है, उधर भी कुछ लोगों के द्वारा कुछ नेटवर्क वहाँ डेवलप किया गया है, उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और बरेली से भी कुछ लगातार हमारे पास लगातार कुछ सूचनाएँ आती रही हैं वहाँ से, इस तरीके की सप्लाई एक चेन का हमें पता लगा, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जल्दी ही इस पूरे नेक्सस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी।